महाराष्ट्र चुनाव से पहले प्रकाश अंबेडकर ने बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले मेरा हाल रजिया गुंडों में फंस गई जैसा वाला हो गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख अब तय हो गई है और सभी पार्टियां इन दिनों जो है अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसी बीच वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने बीजेपी और कांग्रेस पर जोरदार निशाना बोला है। उन्होंने दोनों पार्टी जो है पर निशाना साधते हुए खुद को पीड़ित करार दिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मेरा हाल तो रजिया गुंडों में फंस गई वाला हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रकाश अंबेडकर ने लिखा कि अगर मैं दलितों, आदिवासियों, ओबीसी, मुसलमानों और मजलूम के लिए और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ आवाज उठाता हूं तो बीजेपी वाले मुझे गाली देते हैं। अगर मैं कांग्रेस और उनके सहयोगियों की दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुसलमान विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता हूं तो कांग्रेस मुझे बीजेपी के बी टीम कहती है। मेरा तो हाल रजिया गुंडों में फंस गई वाला हो गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। राज्य में प्रमुख रूप से दो गठबंधन महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों ही गठबंधन के घटक दलों ने अभी तक उम्मीदवारों के नाम लिस्ट जो है जारी नहीं की है और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में प्रकाश अंबेडकर का महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन को लेकर मतभेद हुआ था और इसके बाद से वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने अपना अलग अलग रास्ता जो है चुन लिया था। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे और अब इसी में देखना होगा कि प्रकाश अंबेडकर किसके साथ जाते हैं।